Boat, stone, grenade, साउंड टेस्ट एंड बेस टेस्ट। आज की वीडियो में मैं इस बोट स्टोन ग्रेनेड का एक रिव्यू वीडियो कवर करने वाला हूँ। उसके साउंड टेस्ट और इसके बेस टेस्ट, जो उसका बेस का जो टेस्ट है वो मैं करने वाला हूँ। वेल बेसिकली अगर कहूँ तो मैं, टू बी हॉनेस्ट, इस प्रोडक्ट को मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया है ₹1500 में। और यहाँ पर ये जो स्पीकर है ये आपको मिलता है इस टाइप के बॉक्स में। एज यू कैन सी, इस बॉक्स का लुक आपको एग्जैक्टली इस तरीके से देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैंने इस बोट स्टोन ग्रेनेड का एक अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने कवर किया है प्रीवियस वीडियो में। यू कैन चेक इट आउट इन माई वीडियो सेक्शन। बट यहाँ पर मैं अभी इसका सिर्फ एक साउंड टेस्ट करके बताऊँगा और यहाँ पर आपको ये स्पीकर लेना चाहिए या नहीं, तो ये मैं एकदम डिटेल में बताऊंगा। तो बट यहाँ पर अगर मैं सिंपल एंड शॉर्टकट वे में कहूँ, अगर आप सर्च कर रहे हैं एक बजट सेगमेंट ब्लूटूथ स्पीकर को, वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर को, तो विदाउट एनी डाउट आप इस ब्लूटूथ स्पीकर के लिए जा सकते हैं। मैं जो भी कह रहा हूँ एकदम हॉनेस्टली कह रहा हूँ, मैंने इस प्रोडक्ट को लाइफ में फर्स्ट टाइम परचेस किया है। मेरे को इस ब्रांड पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, बट इसे परचेस करने के बाद जो मेरा पैसा है वो पूरी तरीके से वसूल हो गया और अभी मैं इसका डेली बेसिस पे यूज़ करता हूँ एज ए मेरा परमानेंट ब्लूटूथ स्पीकर के बेसिस पे। मैंने और भी ब्लूटूथ स्पीकर परचेस किए, JBLs के परचेस किए, अलग अलग ब्रांड्स के परचेस किए, बट यहाँ पर ये जो ब्रांड है और इसका जो ब्रांड तो ठीक है नॉर्मल है, बट ये जो क्वालिटी का जो स्पीकर है आई एम कम्प्लीटली माइंड ब्लोइंग यार। तो यहाँ पर इसका जो प्राइस आपको ₹1500 मिलेगा और यहाँ पर इसमें जो आपको बैटरी बैकअप मिलता है वो मिलता है इसमें आपको 7 आवर का ईजिली बैटरी बैकअप मिलता है। अगर आप पूरा 100% वॉल्यूम यूज़ करते हैं स्पीकर का तो कंटिन्यूसली यूसेज पे आपको 7 आवर का इसमें बैकअप मिल सकता है। मैं इसको 2 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ कंटिन्यू, तो ऑब्वियसली बात है मुझे इससे ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस हो गया है और यहाँ पर काफ़ी अच्छा इसका साउंड क्वालिटी है। तो अगर इसमें बॉक्स में आपको और भी चीज़ें देखने को मिलती है, लेट्स एग्जांपल अगर आपका जो ब्लूटूथ स्पीकर है कभी कभी इसमें ब्लूटूथ का कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसमें आपको साथ में मिलता है ऑक्स केबल। इसको एक तरीके से टेक के लैंग्वेज में ऑक्स केबल ही बोलते हैं और इसकी हेल्प से आप इस स्पीकर को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका ब्लूटूथ ख़राब हो जाए, ब्लूटूथ का जो कनेक्टिविटी वो एक तरीके से ख़राब हो जाए स्पीकर में, तो आप इजीली इस कॉक्स केबल की हेल्प से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स कीप दिस थिंग असाइड एंड यहाँ पर मैं स्पीकर को यहाँ ऑन करके दिखा देता हूँ। लेट मी शो यू। पावर ऑन, यू प्लग्ड इनटू निर्वाना। तो इस तरीके का साउंड आपको सुनाई देखने मिलेगा। अब यहाँ पर मैं इसे अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर सबसे खास बात यह कि जो ब्लूटूथ स्पीकर है उसमें मालूम नहीं पड़ता कि बैटरी कितनी रिमेनिंग है। तो अगर जब भी आपको डाउट है कि इसमें आपको चेक इट आउट करने की बैटरी कितनी रिमेनिंग है आपके स्पीकर की, तो यहाँ पर आपके मोबाइल में जो ब्लूटूथ का ऑप्शन है यहाँ पर आपको बैटरी का जो परसेंटेज है वो शो कर जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ साउंड इसमें प्ले करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर मैं इसका जो मैक्सिमम साउंड वो कर लेता हूँ। मैक्सिमम वॉल्यूम, तो ये इसका मैक्सिमम वॉल्यूम। जैसे आप इसका मैक्सिमम वॉल्यूम करेंगे तो आपको इस तरीके का साउंड आएगा। मैक्सिमम वॉल्यूम, यू कैन सी दैट्स इट। और यहाँ पे भी साउंड एकदम फुल है। मैक्सिमम वॉल्यूम, अब यहाँ पर मैं कोई भी साउंड को प्ले करता हूँ और यहाँ पर आपको कॉलिंग का जो एक्सपीरियंस है ना वो भी आपको ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगा। सो लेट्स सर्च द कॉपीराइट सॉन्ग। तो लेट्स मैं यहीं से कोई सॉन्ग को प्ले कर लेता हूँ। पूरे घर में आवाज आ रहा है इसका, पूरे घर में आवाज आ रहा है, यू कैन सी। तो गाइस मतलब यहाँ पे कहो तो जो साउंड है वो एक तरीके से घर में अगर कोई छोटा मोटा पार्टी करते हैं, घर में अगर कोई भी पार्टी करे तो ऐसे में ये जो स्पीकर है अमेजिंग है और आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं छोटे मोटे पार्टी के लिए। आउटडोर में इसका साउंड ज़्यादा आपको आएगा नहीं, बिकॉज आउटडोर में पूरा एकदम ओपन होता है तो जो साउंड है वो पूरा ओपन जाके फैल जाता है, वापस रिटर्न नहीं आता। लेकिन घर में इसका आवाज़ इसलिए ज़्यादा आता है बिकॉज घर में दीवारें होती है तो साउंड दीवारों पर लग के वापस रिटर्न आती है, तो इसलिए घर में आपको साउंड ज़्यादा मिलेगा। तो लेट मी प्ले वंस मोर द सॉन्ग। Maximum volume.
तो इसका बेस साउंड का जो टेस्ट है अमेजिंग को, तो साउंड तो एकदम बेटर है। इसमें आपको बेस भी पूरा परफेक्टली तरीके से मिलता है, बेस भी आपको ऑसम मिलता है, एकदम बेटर। तो गाइस यहाँ पर आप इस स्पीकर को अगर आप परचेस करते तो आपका पैसा पूरी तरीके से वसूल होने वाला, और मैं इस बारे में 100% श्योर हूँ। तो ये था इस बोट स्टोन ग्रेनेड का एक रिव्यू और इसका साउंड टेस्ट और एक बेस टेस्ट का वीडियो। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।